सो हेलो आई एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर स्पेशल कोर्स इन विच वी आर कवरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें, आज हम देखेंगे समझेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर किस तरीके से इससे कंपेयर का राइज हुआ, किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह की जो है रिलेशंस थे ब्रिटिशर्स के साथ, और कौन कौन सी ट्रीटीज जो है यहाँ पर हुई, और किस तरीके से डिप्लोमेसी के साथ और एग्रेशन के साथ महाराजा रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा सा एम्पायर यहाँ पर खड़ा करा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले यहाँ पर आप सब लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि एक मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल रहेगा। इसके बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक तरीके से ये जो बैटल रहेगा, बेसिकली कॉम्बैट जो ये रहेगा, ये आप यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के इंडिया के, उनके बीच में ये बैटल रहेगा और कहीं ना कहीं ये इसको काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव यहाँ पर बना देगा। 7 फरवरी सुबह 11 बजे ये होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होंगे, जो कि हमारे बेस्ट अकेडमी एजुकेटर्स ने आपके लिए बनाए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको रियल टाइम रैंकिंग भी मिलेगी, बेस्ट कंटेस्टेंट के साथ आपको यहाँ पर कम्पीट करने का मौका मिलेगा, एंड एट दी एंड यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा ताकि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइव स्कोरिंग आपको मिलेगी, लीडरशिप बोर्ड आपको मिलेगा, रेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी और अवार्ड्स वगैरह भी मिलेंगे आपको। अगर प्राइजेस की गाइस हम यहाँ पर बात करें तो जो फर्स्ट 3 रैंकर्स होंगे, रैंक 1-3, उन लोगों को 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और जो रैंक 4-150 रहेंगे उनको 1000 रुपीज के अमेजन वाउचर्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा फॉर्मेट की बात करें तो 45 मिनट का ये समय आपको मिलेगा। इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 13 कॉम्बेट्स यहाँ पर होती हैं बेसिकली अल्टरनेट संडेज को। इसके अलावा 6 सेक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, और रिलेटिव स्कोरिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। तो प्लीज जाइए जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इस अनअकैडमी कॉम्बेट में अपने आपको पार्टिसिपेट करिए, और पार्टिसिपेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा आपको हमारा रेफरल कोड रैंक 10। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ा सिख एम्पायर यहाँ पर खड़ा किया, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेसी के साथ एग्रेशन के साथ यहाँ पर अपना वो सक्सेसफुल रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, अगर हम बात करें सिख की, तो जो सिख थे बेसिकली, हमें सबको पता है कि गुरु नानक देव जी के टाइम से जो है सिख धर्म की एस्टैब्लिशमेंट हुई, और आगे चल करके फिर हमें तकरीबन 10 सिख गुरु यहाँ पर देखने को मिले, और जो 10th सिख गुरु थे वो थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पर ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो औरंगजेब के साथ, मुगल्स के साथ इनके काफी जो है हमें कंक्वेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी, और हमने देखा था कि किस तरीके से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है सिख को, जो है सिख कम्युनिटी को एक तरीके से एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री फोर्स में यहाँ पर खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने दल खालसा की एस्टैब्लिशमेंट करी और कैसे उन्होंने बाकी सब चीजें यहाँ पर की। तो देखिए क्या होता है, 1708 में जब यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें, या आप पहले ले लीजिए थोड़ा सा, जब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो हमें यहाँ पर मुगल बादशाह बनते हुए देखने को मिलते हैं, कौन, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जब यहाँ पर मुगल बादशाह बनते हैं, मुगल रूलर ये यहाँ पर बनते हैं, तो उस टाइम पर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो सिख होते हैं वो यहाँ पर रिवोल्ट कर देते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बैरागी। कौन है बंदा बैरागी, जिनको हम बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं। तो जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हुई, तो उसके बाद पूरा का पूरा सिख एम्पायर का देख रेख जो है वो किसने संभाल लिया, बंदा बहादुर, या कहें बंदा बैरागी ने यहाँ पर संभाल लिया। और इन्होंने बेसिकली क्या करा, रिवोल्ट खड़े कर दिए यहाँ पर पंजाब वाले एरिया के अंदर, जिस तरीके से बाकी सब जगहों पर रिवोल्ट वगैरह हो रहे थे, राजपूताना में रिवोल्ट चल रहा था, नीचे साउथ की बात करें वहां डेक्कन में रिवोल्ट चल रहा था, तो इसी तरीके से वेस्ट में पंजाब और सरहिंद ने भी अपने आप को क्या करा, यहाँ पर रिवोल्ट खड़ा कर दिया अगेंस्ट द बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, इस टाइम पर देखिए क्या था, राजपूताना में क्या हो रहा था, जो यहाँ पर अजीत सिंह और जय सिंह थे, ये दोनों भी यहाँ पर रिवोल्ट कर रहे थे, किसके, उनसे एरिया को लेकर के, जोधपुर और अंबेर को लेकर के। तो जोधपुर और अंबेर को लेकर के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो रखा था, और दूसरी तरफ सिख भी रिवोल्ट कर रहे थे। सो यहाँ पर बहादुर शाह ने अपना जो ध्यान है वो सिख की तरफ लगाया, और देखिए मजे की बात यहाँ पर आप समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो देखिए क्या था, जब बहादुर शाह मुगल एम्परर बनने लगे, तो जो वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पर चल रहा था ना औरंगजेब के सक्सेसर्स के बीच में, तो उसमें बहादुर शाह को बेसिकली गुरु, जो सिख गुरु थे गोबिंद सिंह जी,
उन्होंने जो है यहाँ पर सपोर्ट भी करा, बट आगे चल करके यहाँ पर क्या हुआ, सिख जो है यहाँ पर बंदा बैरागी के लीडरशिप में रिवोल्ट खड़ा कर देते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं बहादुर शाह ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हाँ सिख भी उसके खिलाफ यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ होती है, उसके 1.5 साल बाद यहाँ पर बंदा बैरागी की लीडरशिप में ये रिवोल्ट वगैरह हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बंदा बैरागी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ही वॉज अ कैपेबल कमांडर, और कहा जाता है, ऐसे र्यूमर्स थे कि भाई जो गुरु गोबिंद सिंह जी की सोल है, जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं बंदा बैरागी के अंदर क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। इस तरह की बातें उनके लिए कही जाती थी, उनको जो है ट्रू किंग बोला जाता था। बंदा बैरागी ने आगे चल करके यहाँ पर अपने क्वाइंस वगैरह भी इशू करे और सिख को लेकर के एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर उन्होंने प्रयत्न किया, कोशिश यहाँ पर उसकी करी। अब यहाँ पर हम बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह ने बेसिकली क्या करा, बहादुर शाह ने यहाँ पर ऑर्डर दिया अपने ऑफिसर्स को कि भाई जाओ और पंजाब में जाकर के जो सिख के साथ आप डील करोगे थोड़ा फॉर्मली करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी सिख के रिवोल्ट हो रहे थे, कहीं ना कहीं बहादुर शाह और उनकी आर्मी कहीं ना कहीं इन रिवोल्ट को दबाने में सरपास रहे और सॉरी सप्रेस करने में फेल हुई कहीं ना कहीं। बट आगे चल करके अगर हम बात करें तो बंदा सिंह बहादुर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 1709 से ये अटैक करते रहे मुगल्स के ऊपर और कोशिश करते रहे कि भाई जितने से ज्यादा टेरिटरी है मुगल्स की उनको कैप्चर कर लें। इस दौरान काफी ज्यादा यहाँ पर मैसेकरिंग भी हमें देखने को मिली और तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 साल बाद 1715 में गुरदास नांगल का एक फोर्ट था लाहगढ़ के अंदर, वहां पर जो है हमें क्या देखने को मिलता है ये कि भाई जो बंदा सिंह बहादुर है इनको यहाँ पर पकड़ लिया जाता है इनके लोगों के साथ और इनको एज अ प्रिजनर दिल्ली यहाँ पर ले जाया जाता है। तो जब दिल्ली इनको ले जाया जाता है तो वहां पर फिर इनके साथ और बाकी सब लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर करके यहाँ पर उनको मार दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई जो इनको मारा गया था वो लोहे की जलती हुई जो एक तरह के से सलाखें होती है ना, उनसे यहाँ पर इनको टॉर्चर करा गया और उसको टॉर्चर कर करके इनको मार दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 1716 के आसपास हमें बंदा सिंह बहादुर की डेथ यहाँ पर होती हुई देखने को मिलती है। अब देखिए इस टाइम पर क्या हुआ, जब यहाँ पर डेथ वगैरह हुई तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि जो पूरा का पूरा सिख खालसा था या कहीं जो पूरा का पूरा सिख ग्रुप था जो कहीं ना कहीं बंदा सिंह बहादुर के अंडर थी पूरी की पूरी टेरिटरीज, वो हमें डिफरेंट मिसल्स के अंदर जो है यहाँ पर क्या टूटता हुआ देखने को मिला, ठीक है। अब इस टाइम पर देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर जो सिख बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, रूलर थे, जैसे कि कपूर सिंह, उन लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर अपना मिलिट्री को लेकर के धीरे छोटे छोटे डिविजन यहाँ पर बना दिए सिख सरदारों ने मिलकर के जो चीफ्स थे बेसिकली यहाँ पर, और इस तरीके से हमें तकरीबन 12 मिसल यहाँ पर देखने को मिले। सो यू कैन से हेयर कि भाई जो पूरा का पूरा एम्पायर था बंदा सिंह बहादुर का वो उनकी डेथ के बाद 12 मिसल के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। और इस दौरान यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1739 में नादिर शाह और आगे चल करके अहमद शाह अब्दाली, इस दौरान जब मुगल्स लगातार वीक हो रहे थे, कंटिन्यूअस इन्वेजन यहाँ पर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ पर जो है सिख ने उठाया और वो लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन करते गए, मजबूत अपने आप को करते गए और आगे चल करके फिर रंजीत सिंह हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये पूरा का पूरा देखें तो आपको देखिए ये पूरा के पूरे 12 सिख मिसल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा सुकेर चकिया मिसल, तो ये जो सुगेर चकिया मिसल है इसी के पार्ट से कौन रंजीत सिंह जो है इसी मिसल को यहाँ पर बिलोंग किया करते थे, ओके। तो देखिए इस तरीके से पूरे के पूरे ये जो आपको अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली कुछ मिसल्स हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे पिंक कलर से लिखे हुए, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, आगे चल करके हम यहाँ पर बात करें रंजीत सिंह के टाइम पर किस तरीके से चीजें होती हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब मुगल एम्पायर यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा था तो रीजनल स्टेट्स उस चीज का फायदा यहाँ पर ले रहे थे, ठीक है। तो बंदा बहादुर के टाइम पर हमें एक सिख स्टेट, फर्स्ट सिख स्टेट पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिला, बकायदा सरकार ए खालसा के नाम से हमें पूरा का पूरा उनकी गवर्नमेंट देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद आगे चल करके यहाँ पर क्या हुआ, जब लाहगढ़ के किले में उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया 1716 में, तो उसके बाद बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पूरे के पूरी इन्वेजन वगैरह होने लग जाते हैं नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, तो मीन वाइल यहाँ पर क्या होता है कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर कंडीशंस काफी ज्यादा खराब होती हैं, ठीक है। और इस टाइम पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो कपूर सिंह थे वो बेसिकली क्या करते हैं, जिन्होंने खालसा पंथ यहाँ पर बनाया था, तो वो आगे चल करके क्या करते हैं यहाँ पर 12 मिलिट्री यूनिट्स के अंदर जो है यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं कि भाई हमें अपने आप को यहाँ पर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन्वेजन से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिख चीफटेन्स होते हैं, सरदार होते हैं, वो 12 मिलिट्री यूनिट्स के अंदर अपने आप को
डिवाइड कर लेते हैं, जो कि ये 12 मिसल अभी हमने पीछे मैप में यहाँ पर देखे। और आगे चल करके ये मिसल जो है बेसिकली क्या बन जाते हैं, पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक पावर यहाँ पर ये बन जाते हैं। तो इन 12 मिसल में से अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगे चल करके रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह बिलोंग करते थे सुकेर चकिया मिसल को, वो यहाँ पर जो है फर्स्ट सिख स्टेट पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब बात करें अगर हम रंजीत सिंह जी की, तो देखिए क्या है, महाराजा रंजीत सिंह जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, तो नवंबर 1780 में इनका जो है जन्म हुआ कहाँ, गुजरांवाला के अंदर। और जब ये 12 साल के थे तो 1792 में ही क्या होता है, इनके फादर की डेथ हो जाती है, और जो इनका मिसल होता है सुकेर चकिया मिसल, कहीं ना कहीं उसके क्या बन जाते हैं, चीफ बन जाते हैं। और इस टाइम तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं अनार्की हमें पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। अनार्की कैसे, देखिए जो ये 12 मिसल थे ना, कहीं ना कहीं इनकी आपस में नहीं बनती थी, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके देखने को मिलते थे। तो आगे चल करके जब महाराजा रंजीत सिंह अपने यहाँ पर चीफ बने, तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, यहाँ पर कंक्वेस्ट करने शुरू करे, और एक पूरा का पूरा पंजाब को यहाँ पर एक होल यूनाइटेड पंजाब के तौर पर जो है यहाँ पर क्या करा, इन्होंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिख एम्पायर एस्टैब्लिश करा। और कहीं ना कहीं यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले 1799 में क्या होता है, बांगी मिसल होता है, उनसे ये क्या करते हैं, लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं और लाहौर को जो है अपनी यहाँ पर कैपिटल बना देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जब लाहौर को यहाँ पर अपना कैपिटल इन्होंने बना दिया, तो बस यहीं से जो है हमें इनका राइज देखने को मिला। आगे चल करके 1802 में क्या करते हैं कि जो अमृतसर की सिटी है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो होल सेंट्रल पंजाब वाला रीजन है, सतलुज के आसपास का और झेलम के आसपास का, वो पूरा का पूरा जो है कहीं ना कहीं किसके कंट्रोल में आ जाता है, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम कंट्रोल में आ जाता है। और 1801 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपने आप को टाइटल ले लेते हैं महाराजा ऑफ पंजाब का। इस दौरान यहाँ पर अगर हम बात करें तो मालवा से लेकर के सतलुज तक का एरिया इनके पूरा का पूरा कंट्रोल में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पिंक टेरिटरी आपको देखने को मिल रही है, दिस इज द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है पिंक वाला, ये महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में था, और काफी सारे इन्होंने यहाँ पर कंक्वेस्ट वगैरह करे। बट देखिए होता क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो इस रीजन के अंदर, सतलज के आसपास वाले रीजन के अंदर जो यहाँ पर स्टेट्स होती हैं, कुछ कश्मीरी होते हैं, कुछ इसके अलावा सिख स्टेट होते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो है रंजीत सिंह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए इस टाइम तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तो ये लोग जो है बेसिकली कहाँ पहुंचते हैं, ब्रिटिशर्स के पास पहुंचते हैं, या आप कहें कि भाई जो कहीं ना कहीं ये सतलज के आसपास की जो स्टेट्स थी वो इनफॉर्मली ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, आगे चल करके जब रंजीत सिंह सतलज को क्रॉस करते हैं और 1806 में लुधियाना और कुछ और टेरिटरीज भी यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, तब जो ये सिख स्टेट होती हैं झेलम सॉरी सतलज के आसपास वाली, ये पहुंचते हैं ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स को जाकर के कहते हैं कि प्लीज हमें जो है प्रोटेक्ट करो महाराजा रंजीत सिंह से। अब देखिए दो चीजें थी इस टाइम पर, ब्रिटिशर्स भी जो है कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह से डरे हुए थे, उनको था कि भाई अभी तो हम मराठास को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह महाराजा रंजीत सिंह खड़ा हो गया, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की हम बात करें तो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पर बहुत तेजी से इन्होंने अपना एम्पायर को यहाँ पर एक्सटेंड करा। पहला रीजन तो ये था, दूसरा रीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं नेपोलियन का थ्रेट भी था। फ्रेंच जो है बेसिकली नेपोलियन के कमांड में, आपको पता है कि इस टाइम तक जो है रशिया तक आ चुके थे, नेपोलियन रशिया तक आ चुका था इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं एक नेपोलियन का थ्रेट भी था कि कहीं कल को भाई नेपोलियन कहाँ ना आ जाए, इंडिया ना आ जाए, तो ये भी एक थ्रेट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं मिलते हैं महाराजा रंजीत सिंह से, और 1809 में यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो जाती है, किसके बीच में, महाराजा रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली क्या करा जाता है, तो जो सतलज नदी होती है, देखिए आप ये काली वाली एक पट्टी देख सकते हैं, दिस ब्लैक ये जो ब्लैक रिवर है, ये बेसिकली क्या है, ये हमने सतलुज को मार्क करा हुआ है हाईलाइट करके। तो सतलज को जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से बाउंड्री मान लिया जाता है ब्रिटिशर्स के बीच में और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। और यहाँ पर क्या कहा जाता है कि देखो जो वेस्ट का एरिया है, यानी कि जो इधर का एरिया है पूरा का पूरा, ये जो है रंजीत सिंह के अंडर रहेगा, और जो नीचे का एरिया है बेसिकली
यही वाला यहाँ पर जो है किसके, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर जो है क्या कर लिया जाता है, झेलम को एक लैंड बाउंड्री मान लिया जाता है। और महाराजा रणजीत सिंह भी क्या करते हैं अपना फिर जो है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जो है क्या करते हैं एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ ही आगे चल करके फिर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इस ट्रिटी के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनका जो सपना था कि भाई मैं सतलज क्रॉस करके और दिल्ली तक आऊं, बाकी सब एरियाज के ऊपर भी कैप्चर करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने इससे कॉम्प्रोमाइज करा और वो खैर ऊपर की तरफ चले गए, अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने मूव करना यहाँ पर शुरू करा। तो 1809 में जब ये ट्रिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो ये ट्रिटी बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। कैसे, अब देखिए क्या है, ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि डिफेंसिव ट्रिटी हो यहाँ पर कहीं ना कहीं, ताकि जो फ्रेंच का कंट्रोल जो है उसको, फ्रेंच जो है उनको रोका जा सके। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नेपोलियन इस टाइम पर ऑलरेडी कहाँ आ चुका था, रशिया के अंदर आ चुका था, रशिया पर उसने ऑलरेडी अटैक कर चुका था, तो कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो इंडिया की तरफ आता है तो यहाँ पर कोई एक डिफेंसिव स्टेट हो नेपोलियन से लड़ने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ कोई पंगा नहीं लिया, बाकायदा ट्रिटी कर ली। बट ये ट्रिटी जो थी इतनी ज्यादा डिफेंसिव नहीं रही, बट स्टिल ये ट्रिटी इन्होंने यहाँ पर कर ली और सतलज नदी को जो है यहाँ पर क्या कर लिया, एक तरीके से लाइन मान लिया कि भाई ये बाउंड्री लाइन है, ना आप इसकी इधर की तरफ आएंगे ना हम उधर की तरफ आएंगे। और यहाँ पर बेसिकली बोला गया कि देखिए अगर आप इधर की तरफ आते हैं, सतलज को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रिटिशर से लड़ना पड़ेगा। तो महाराजा रणजीत सिंह भी कहते हैं कि ठीक है भाई मैं क्या करता हूँ, अब वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता हूँ और ये फिर अफगानिस्तान की तरफ पहुंचते हैं, जिसको भी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हो रही हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो 1809 तक का ये पूरा का पूरा कुछ सिलसिला है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप मेरे से पूछें। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, क्लियर है सब चीज, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर रणजीत सिंह के ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन की, ठीक है, और फिर आगे चल करके किस तरह से चीजें रही। तो देखिए जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो ट्रिटी यहाँ पर हो जाती है, तो इस ट्रिटी में बेसिकली कंप्लीट फ्रीडम रणजीत सिंह को दे दिया जाता है कि भाई नॉर्थ में कुछ मर्जी करो, बस सतलज को तुम्हें यहाँ पर क्रॉस नहीं करना। महाराजा रणजीत सिंह भी कहते हैं ठीक है। अब क्या है, नॉर्थ के आसपास वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जाट देखने को मिलते हैं, सिख कम्युनिटी देखने को मिलती है, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो पेशावर और कश्मीर वाले रीजन तक ये अपना पहुंच जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह है, जो आज की डेट में शिंजियांग प्रोविंस है ना, शिंजियांग तक ये कहीं ना कहीं पहुंच गए थे, चाइना वाले एरिया तक। तो इतना ज्यादा इन्होंने एरिया आगे चल करके कैप्चर यहाँ पर कर लिया था, बहुत सारा इन्होंने अपना टेरिटरीज को यहाँ पर यूनिफिकेशन वगैरह करा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 1849 तक जो है ये ब्रिटिशर्स का ही पार्ट पूरा का पूरा बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है बेसिकली क्या चाहते थे कि सिंध को एनेक्स करा जाए, सिंध को अपनी एम्पायर का पार्ट बनाया जाए, बट ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपोज करते हैं क्योंकि सिंध उनके लिए काफी बेहतरीन जगह थी, सिंध उनके लिए इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था। तो ब्रिटिशर्स इसका अपोज करते हैं और फाइनली जाकर क्या होते हैं 1831 में यहाँ पर एक ट्रिटी साइन होती है, किसके बीच में, परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन होती है ब्रिटिशर्स के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। अब आप कहेंगे ये ट्रिटी क्यों साइन करी, ये ट्रिटी यहाँ पर इसलिए साइन करी, देखिए इस टाइम तक ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे इंडिया में, बट वो रणजीत सिंह से पंगा यहाँ पर इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो रणजीत सिंह को यहाँ पर एक बफर स्टेट के तौर पर यूज करना चाहते थे रशिया के थ्रेट से। क्यों, 1831 तक आते आते अब रशिया का थ्रेट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ने लग गया था। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें, रशिया के थ्रेट से वो बचाना चाहते थे किसको, अपने आप को, और कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर रणजीत सिंह को एज अ यूज करना चाहते थे कि हाँ भाई क्या करा जाए, इनको एज अ बफर स्टेट के तौर पर यूज करा जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं रशिया से बचाने को लेकर के, ठीक है। तो ये भी एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। आगे चल करके यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, निकोलस वन के टाइम पर ना रशिया के अंदर जो जार था अलेक्जेंडर वन के टाइम पर चीजें काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रही थी, रशिया काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट कर रहा था। तो उन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए, पॉलिश रशियन वॉर भी इस टाइम पर कहीं ना कहीं हो रहा था, तो इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए ट्रिटी अपना यहाँ पर कर लेते हैं कि चलो ठीक है ट्रिटी करो और यहाँ पर अभी रणजीत सिंह को एज अ बफर स्टेट के तौर पर यूज करो, ठीक है। आगे चल करके क्या होता है, 1838 का टाइम आता है और 1838 में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपार्टाइट ट्रिटी साइन होती है, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, शाह शुजा के बीच में, और यहाँ पर अगर हम बात करें रणजीत सिंह के बीच में।
कहा जाता है भाई स्टडी के अंदर कि जो शाह शुजा होता है उसको दोस्त मोहम्मद खान की जगह जो है क्या करा जाएगा, अफगानिस्तान का आमिर यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके लिए बेसिकली तीनों फौज यहाँ पर लड़ती हैं, इकट्ठी हो गया कंबाइंड, ये ट्रिपार्टाइट आर्मी यहाँ पर लड़ती है। और यही हमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट एंग्लो अफगानिस्तान वॉर जो है हमें सॉरी तो फर्स्ट एंग्लो सॉरी अफगान वॉर हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि इस वॉर के टाइम पर अगर हम बात करें तो कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता, ना रणजीत सिंह को कोई फायदा होता है और ना ही ब्रिटिशर्स को इसका फायदा होता है। आगे चल करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर रणजीत सिंह की डेथ भी आगे चल करके हो जाती है, ठीक है। बट महाराजा रणजीत सिंह की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक पैन इंडिया एक यूनिफाइड टेरिटोरियल आइडेंटिटी दी बेसिकली किसको, पंजाब को। तो यहां पर अगर हम बात करें रणजीत सिंह जी की, 1839 में जब इनकी डेथ होती है तो उस टाइम तक पंजाब को जो इन्होंने इतनी ज्यादा यहाँ पर एक शोहरत दी, एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी दी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बात करें तो दो तरह की पॉलिसीज का इन्होंने इस्तेमाल करा, एक तो डिप्लोमेसी का और दूसरी तरफ एग्रेशन का। ये हमने देखा ही भाई डिप्लोमेसी कैसे ब्रिटिशर्स के साथ संधि वगैरह करके, ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला करके कहीं ना कहीं अपना काम ये करते रहे, और एग्रेशन कैसे कि भाई जिस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा एक यूनिफाइड टेरिटोरियल आइडेंटिटी के तौर पर पंजाब को खड़ा करा और खुद जो 1801 में ये महाराजा ऑफ पंजाब के तौर पर बने। तो यहाँ पर कहना बहुत ज्यादा सही रहेगा कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो एक बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो थे। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह वॉज इलिटरेट, खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट इन्होंने काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने यहाँ पर रखे हुए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट महाराजा रणजीत सिंह एंड हिज एम्पायर वॉज कि कहीं ना कहीं इनके एम्पायर में हमें कोई रिलीजियस बाइगोट्री देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली शांति और अपना पीस वगैरह का माहौल था, इस वजह से तो चीजें बेहतर चल रही थी। और यहाँ पर अगर बात करें महाराजा रणजीत सिंह की, तो कभी भी इन्होंने अपने आप को खालसा से ऊपर नहीं रखा। ऑलवेज ही प्रिटेंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द सर्वेंट ऑफ द खालसा, कि भाई मैं जो हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी का कहीं ना कहीं भक्त हूँ, इस तरीके से सर्वेंट हूँ, इस तरीके की आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने यहाँ पर रूल करा, ठीक है। बाकायदा यहाँ पर अगर हम बात करें जो सिक्के थे महाराजा रणजीत सिंह के, जो क्वाइंस थे जो पंजाब के एरिया में चलते थे, वो उनके नाम से भी इशू नहीं करे जाते थे। उनके ऊपर नाम भी अगर देखने को मिलता था तो गुरु नानक देव जी का या गुरु गोबिंद सिंह जी का ही देखने को मिलता था। तो इस तरीके का हिसाब किताब इन्होंने यहाँ पर अपना बनाया हुआ था। अब देखिए क्या है, जब इतना बड़ा टेरिटरी है, इतनी बड़ी चीजें हैं, तो कुछ रिफॉर्म्स की नीड थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करे और मिलिट्री रिफॉर्म्स भी करे। क्या क्या करें उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या है, रणजीत सिंह जो है उन्होंने क्या करा, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश करा, जो मुगल पीरियड के टाइम पीरियड का था। मुगल्स के टाइम पर हमने एक सिस्टम की बात करी थी जिसको हम जब्ती सिस्टम बोलते थे। तो जब्ती सिस्टम के बेसिस पर ही इन्होंने पंजाब के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश करा। जितना भी लैंड रेवेन्यू था उसको लेकर के पूरा का पूरा लैंड का मेजरमेंट वगैरह बकायदा यहाँ पर कराया गया। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लैंड रेवेन्यू फिक्स करा गया वो कितना था, 33 से लेकर के 40% तक का लैंड रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स इन्होंने करा, ठीक है। तो जब ये लैंड रेवेन्यू वगैरह फिक्स यहाँ पर हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर से बढ़िया पैसा आने लगा। तो देखिए आप सबको पता है कि जो ये एरिया है बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम वाला, या कहीं जो इंडस प्लेन्स वाला रीजन है, ठीक है ना, इंडस नदी से लेकर के झेलम नदी तक का जो रीजन है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो इस एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा थी और कहीं ना कहीं रणजीत सिंह को एग्रीकल्चर से एक बहुत बड़े लेवल पर इनकम भी यहाँ पर होती थी। दूसरा, यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू भी इनको काफी ज्यादा रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा होता था, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा पनिशमेंट वगैरह भी जो दी जाती थी उससे भी फाइन वगैरह कलेक्ट होते थे। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर एक जो बात है इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है कि यहाँ पर कभी भी कैपिटल पनिशमेंट किसी को भी नहीं दिया गया, ठीक है। इनके टाइम पर सिर्फ जो पनिशमेंट दिया जाता था वो फाइन के तौर पर दिया जाता था और वो फाइन होता था काफी ज्यादा। तो यहाँ पर रेवेन्यू में, सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो फाइन वॉज ऑल्सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बकायदा ऑफिशियल्स इन्होंने अपॉइंट करे हुए थे, जिनको बोला जाता था क्या, करदार। करदार इन ऑफिशियल्स को यहाँ पर बोला जाता था। तो जो ये करदार होते थे इनका काम क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो ये आप स्पेलिंग देख सकते हैं करदार की, क्योंकि मेरी जो इमेज है उसके पीछे कहीं ना कहीं छुप गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा रेवेन्यू को लेकर के सोर्सेज इनके पास थे। इसके अलावा जो टोटल इनकम होती थी ना, वो तकरीबन उसका 25% तो है आर्मी के ऊपर खर्च होता था
और बाकी का बचा हुआ जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाया जाता था। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो रंजीत सिंह थे उन्होंने क्या करा, जो अपनी गवर्नमेंट इस्टैब्लिश करी उसका नाम क्या रखा, सरकारे खालसा। सरकारे खालसा के नाम से इन्होंने अपना पूरा का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलाया, और जो भी करेंसी वगैरह इन्होंने इशू करी वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी और श्री गुरु नानक देव जी के नाम से ही यहाँ पर इन्होंने इशू करी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पंजाब इनके कंट्रोल में था जो एरिया, उसे बकायदा चार प्रोविंसेस के अंदर बांट दिया गया। और क्यों बांटा गया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन तरीके से हो सके। तो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए चार प्रोविंसेस में इन्होंने पूरा के पूरे अपने एम्पायर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इसके अलावा जस्टिस जो था उसको लेकर के काफी बेहतरीन काम यहाँ पर होते थे, हालांकि कोई कोड नहीं था लॉ का, कोई कानून वगैरह प्रॉपर नहीं था, बट स्टिल कोई अगर क्राइम होता था उसकी पनिशमेंट जो है वो फाइन के तौर पर दी जाती थी, कैपिटल पनिशमेंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। इसके अलावा जो विलेजेस लेवल पर थे वहां पर जो जस्टिस वगैरह दिया जाता था वो पंचायत देती थी, ठीक है, पंच बैठते थे, बाकी सब लोग गांव के साथ बैठते थे और फिर जो है उस हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई वगैरह करी जाती थी। विलेजेस के अंदर पंचायत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर। करदार वगैरह जो है वो टाउन्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। कोई कोर्ट्स का हायरार्की सिस्टम नहीं था जैसे कि हमें आज की डेट में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अदालत आला देखने को हमें मिलती थी जो कि हाईएस्ट होती थी, ठीक है, कोर्ट प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही हमें कोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिला महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट महाराजा रंजीत सिंह वॉज हिज मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री रिफॉर्म्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर एक काफी स्ट्रांग और वेल इक्विप्ड आर्मी थी जिसको बोला जाता था फौजे खास, और कहा जाता है कि आप पता नहीं लगा सकते थे कि ये महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी खड़ी है या ये कोई फ्रेंच आर्मी खड़ी है, यानी कि इतनी बेहतरीन, इतनी ट्रेंड और इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी इन्होंने यहाँ पर बनाई थी इटालियंस और फ्रेंच ऑफिसर्स की मदद से, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। बाकायदा यूनिफॉर्म होना, बाकायदा हर एक चीज होना, तो जो फौजे खास थी रंजीत सिंह की वो काफी ज्यादा बेहतर थी, सुपीरियर कमांड फोर्सेस थी एज कम्पेयर टू द अदर इंडियन फोर्सेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यूरोपियन लाइन्स के ऊपर जो है इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फौज को तैयार करा था, और कहीं ना कहीं कैवलरी हो गई, आर्टिलरी हो गई, उसमें भी यहाँ पर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम मेंटेन करा हुआ था। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा फौज थी उसके जो एक्सपेंसेस थे, सैलरीज थी, उनके लिए जो सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया वो था महादारी सिस्टम। महादारी सिस्टम में क्या होता था, मंथली पेमेंट जो है यहाँ पर सैलरीज जो है सोल्जर्स को भी और ऑफिसर्स को भी यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा अमृतसर और लाहौर के अंदर इन्होंने क्या करा, कैनन तोपखाना भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, कैनन फैक्ट्री भी बकायदा इन्होंने लगाई। तो ये था बेसिकली कुछ महाराजा रंजीत सिंह की मिलिट्री के बारे में। अगर हम बात करें तो देयर वर सेवरल हिस्टोरियंस जो कि इस बात को कहते हैं कि अगर एक तरफ फ्रेंच आर्मी खड़ी होती थी और दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी खड़ी होती थी तो ये पहचानना मुश्किल होता था कि फ्रेंच आर्मी कौन सी है और महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी कौन सी है, यानी कि इतने बेहतर तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को यहाँ पर क्या करा था, तैयार करा था। तो इन्हीं सब रिफॉर्म्स की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाने में एस्टैब्लिश हुए, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब रिफॉर्म्स की वजह से, इन्हीं सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की वजह से वो पंजाब को एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी के तौर पर दिखाने में यहाँ पर सक्सेसफुल रहे। तो 1839, एज आई टोल्ड यू, 1839 में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की, और डेथ के बाद यहाँ पर फिर हमें आगे बवाल देखने को मिलेगा, और फिर कल हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है क्या करा, यहाँ पर कंक्वेस्ट करा किसका, पंजाब का, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड सिख एम्पायर, ये हम बेसिकली कल देखेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ सिख एम्पायर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम फिलहाल अगले सेशन में कवर करेंगे। तो आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें, सो इन आवर टुडेस सेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हाउ सिख एम्पायर रेज्ड, किस तरीके से एक बड़ा एम्पायर यहाँ पर बनाया गया, एंड आफ्टर दैट वॉट कॉन्ट्रीब्यूशन रंजीत सिंह पेड, एंड किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी टेरिटोरियल आइडेंटिटी के तौर पर यहाँ पर जो है पंजाब को खड़ा किया,
और कैसे 1809 में एक ट्रिटी कर करके, अमृतसर की ट्रिटी जो हुई और रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, और उसके बाद आगे चल करके 1831 में ट्रिटी करके किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर चीजें करी, अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने कंट्रोल इस्टेब्लिश करा और फिर खैर उसके बाद 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की यहाँ पर डेथ हो गई। और मीन वाइल जब तक उनका टाइम पीरियड रहा तो काफी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने करे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कल के सेशन में हम बात करेंगे कि रणजीत सिंह की डेथ के बाद किस तरीके से क्राइसिस हुए और कैसे उन क्राइसिस का फायदा उठा करके ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर को या कहीं पंजाब को अपना यहाँ पर कब्जा कर लिया, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। कमेंट देख लेते हैं सर, इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है पंजाब? बिल्कुल पूछा जा सकता है, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो पंजाब उसके अंदर बकायदा एक टॉपिक है, तो हाँ पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट अगर आप सिलेबस उठा करके देखें तो जो पार्ट टू का सेकंड टॉपिक है ना, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, उसके अंदर हम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, बिहार, मैसूर, मराठास, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, और साथ में पंजाब के बारे में भी पढ़ते हैं, तो पूछा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही गाइस। प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज इन सीरीज के ऊपर व्यूज जो है काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी नहीं आ रहा, तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए ताकि हमारे जो टीम है उस तक आपका फीडबैक पहुंच सके कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।